तो हे गाइस नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग हमेशा की तरह बढ़िया होंगे। तो गाइस जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि राइजिंग ओएस जो है एक नया करके कस्टम रोम जो है निकल चुका है। और गाइस ये कस्टम रोम मैंने अपने रेडमी नोट 7 प्रो में टेस्ट किया है और गाइस मेरे को बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला। वो सब कुछ मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, इस नए कस्टम रोम के बारे में, इस राइजिंग यूआई के बारे में जो कि गाइस ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। और गाइस डिवाइस जो है पिक्सल 5 का दिखा रहा है, लेकिन गाइस ये रेडमी नोट 7 प्रो का ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या कुछ देखने मिलता है, स्टेबिलिटी कैसा है इस कस्टम रोम का, इसमें क्या कुछ देखने मिलता है, एनएक्स कैमरा देखने मिलता है कि नहीं मिलता है, सब कुछ बताऊंगा इस किस वीडियो में भाई। तो गाइस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में मिशन लेके आते रहता हूं। तो गाइस मेरा नाम अनिश रॉय, यू आर ऑलरेडी वॉचिंग टेक्नो प्रभु। चलिए, सॉरी वो तो किसी और का डायलॉग है, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। जैसे कि ऐसा लोगों को पता है राइजिंग ओएस जो एक नया कस्टम रोम है, और गाइस ये बहुत सारे डिवाइसेस के लिए अभी रिलीज नहीं हुए हैं, कुछ कुछ डिवाइसेस के लिए है ऑफिशियली और कुछ कुछ डिवाइसेस के लिए अनऑफिशियल रिलीज हो चुके हैं। लेकिन गाइस ऑफिशियल अनऑफिशियल दोनों सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो बेस है वो एक ही होगा। और गाइस यहाँ पे जो मेंटेनशिप वो ऑफिशियली अनऑफिशियली मेंटेन होते हैं, वो सारा कुछ साइड में रखते हैं। चलते हैं यहाँ पे सबसे पहले लॉन्चर की ओर। तो गाइस लॉन्चर में अगर हम चलते हैं, यहाँ पे आपको ये लॉन्चर देखने को मिलता है ऑर्थस लॉन्चर, जो कि यहाँ पे कार्ड व्यू की तरफ से आता है। और गाइस कार्ड व्यू जो है बहुत ही सुंदर लगता है, ये प्रोजेक्ट एलिक्सर के पास रहता है कार्ड व्यू, जो कि गाइस इस कस्टमर में आपको दिया गया है। एंड यहाँ पे आपको होम स्क्रीन में बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने मिलते हैं। आई मीन कस्टमाइजेशन करते करते आप बूढ़े हो जाओगे, लेकिन कस्टमाइजेशन खत्म नहीं होगा। यहाँ पे जो बैकग्राउंड ओपेसिटी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इस रूम में। और यहाँ पे अगर हम बात करें रिसेंस के बारे में, रिसेंस में ये सारे कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आई मीन यहाँ पे ज्यादा माल मसाला है, सब कुछ यहाँ पे डाला गया है। और ये एक लीनेज ओएस बेस्ड कस्टम रूम है, तो गाइस यहाँ पे लीनेज ओएस बेस्ड वाला ही आपको यहाँ पे फील आएगा। ठीक है, लीनेज ओएस जैसा फील आएगा, लेकिन गाइस ये कस्टम रूम जो थोड़ा सा डिफरेंट है, उससे भी डिफरेंट है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। एंड यहाँ पे आपको हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स देखने को मिलता है, जिससे कि आप कोई भी ऐप को हाइड या फिर लॉक कर सकते हो। टास्क बार का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है इस कस्टम रूम में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज जो है आपको देखने को मिलता है लॉन्चर के ऊपर। और यहाँ पे अबाउट की बात करें तो अबाउट में आपको यहाँ पे इस लॉन्चर के ऊपर यहाँ पे जितने भी सारे लोगों ने काम किया है उनका यहाँ पे जो है सब कुछ क्रेडिट वगैरह दिया गया है। अगर हम इसके सेटिंग्स की ओर चलते हैं ना, सेटिंग्स में आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का यूजर इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ये कार्ड जो है पहले नहीं रहेगा, इसको कार्ड व्यू आपको बनाना पड़ेगा। इसमें यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन के अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको कार्ड व्यू का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे यूजर इंटरफेस में जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, सेटिंग स्टाइल जो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, रैंडम स्टाइल, सर्च बार स्टाइल, फिर यहाँ पे हाइड यूजर कार्ड प्रिफरेंस, फिर यहाँ पे सेटिंग कैजुअल मैसेज, फिर यहाँ पे अबाउट फोन स्टाइल वगैरह सब कुछ चेंज कर पाओगे इस कस्टम रूम में। एंड यहाँ पे वॉल्यूम पैनल भी चेंज कर पाओगे, जो कि गाइस मैंने रियलमी वाला लगा रखा है। ठीक है, आप चाहो तो दूसरा राइज ड्रॉइड का भी लगा सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें क्विक सेटिंग स्टाइल की, तो यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग स्टाइल में भी साइबर पंक का देखने को मिल जाता है ऑप्शन। यहाँ पे जैसे जैसे टैप करोगे साइबर पंक वाला जो है यहाँ पे क्विक सेटिंग चल जाएगा। ये कस्टम रूम एक ऐसा कस्टम रूम है जहाँ पे आपको हेडर इमेज देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 13 में। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा चीज दिया गया है। एंड यहाँ पे नेवबार स्टाइल की बात करें, ये सारे नेवबार स्टाइल देखने को मिल जाते हैं। सिस्टम आइकन बैक की बात करें, ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। फोन स्टाइल में ये सारे फोन स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, आप टन्स ऑफ फोन स्टाइल का मजा ले पाओगे इस कस्टम रूम में। वही कह रहे हैं बैक चलते यहाँ पे क्विक सेटिंग्स की, क्विक सेटिंग में ये सारे कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हेडर इमेज का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है, आप कोई भी हेडर इमेज को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कीबोर्ड मैंने लगा रखा है, तो गाइस यहाँ पे कीबोर्ड का अलग से यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, आई मीन यहाँ पे जो हेडर इमेज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्विक सेटिंग्स का 4, 4, 5 यहाँ पे स्लाइडर चेंज करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग करके जो है क्विक सेटिंग्स का हेडर इमेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको इस कस्टम रूम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन की बात करें, नोटिफिकेशन में ये सारे ऑप्शंस वगैरह देखने को मिलते हैं। आप एक बार वीडियो पॉज कर करके पढ़ लेना, क्योंकि गाइस बहुत सारा कस्टमाइजेशन मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। इस कस्टम रूम के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए कस्टमाइजेशन के ऊपर, तो आप ऑब्वियसली मेरे को बताना, कमेंट सेक्शन में वीडियो लेकर चलाऊंगा। और यहाँ पे स्टेटस बार में ये सारे कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। एनएफसी वगैरह यहाँ पे आप चेंज वगैरह कर सकते हो अगर आपको कोई भी आइकन नहीं चाहिए तो। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बैक चला जाते चलते हैं यहाँ पे नीचे। एंड यहाँ पे अबाउट फोन की बात करें, अबाउट आस में यहाँ पे बहुत सारे जो है टीम के कम्युनिटी वगैरह सब कुछ लिंक उन्होंने दे रखे हैं प्रमोशन के लिए। ठीक है, प्रमोशन ही कहूँगा और क्या है, बाकी जो चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे सिक्योरिटी में आपको यहाँ पे ऐप लॉक का सपोर्ट, ये मैंने पहले बताया। यहाँ पे फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक सब कुछ काम कर रहा है इस कस्टम रूम में। साउंड एंड वाइब्रेशन की बात करें, साउंड एंड वाइब्रेशन में ये सारे कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह देखने को मिलते हैं, जहाँ पे आपको MI साउंड इंडेंसर भी देखने को मिलता है। वही पे अगर बात करें वाइब्रेशन की, तो गाइस वाइब्रेशन भी आपको यहाँ पे देखने मिल जाते हैं कस्टमाइजेशन। एंड यहाँ पे एडाप्टिव साउंड, लाइव कैप्शन, फिर यहाँ पे फोन रिंगटोन वगैरह वो सब कुछ यहाँ पे आप सेट कर पाओगे। यहाँ पे अगर हम इसके सेटअप की बात करें, तो जैसे आप सेटअप करोगे ना, यहाँ पे लीने जो है जैसे आपको राइजिंग ओएस का ऑप्शन देखने को मिलेगा एंड फुल्ली अलग ही सेटअप है। ठीक है, आप एक बार सेटअप करके देख लेना इसको। जैसे फ्लैश करते हैं जैसे, वैसे आप फ्लैश करना किसी भी कस्टम रूम को, जैसे आप फ्लैश करते हो सेम वैसे आपको इस कस्टम रूम में फ्लैश करना है। डिस्प्ले की और बात करें, डिस्प्ले में आपको ये सारे कुछ फीचर्स देखने मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको टैप टू वेक, टैप टू स्लीप, फिर यहाँ पे विंडोज लेवल बट इसको डिसेबल
लेना, जैसे कि और भी ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिल जाएगा अगर आपका इस रेडमी नोट 7 प्रो में आप फ्लैश कर रहे हो तो। ठीक है, तो गाइस इसको सिंपली आप ध्यान में रख लेना। यहाँ पे स्क्रीन सेवर की बात करिए, सब कुछ देखने को मिल जाता है, स्क्रीन रोटेशन सेटिंग्स एंड यहाँ पे नीचे जाओगे तो डिस्प्ले साइज वगैरह, स्क्रीन टाइम आउट वगैरह, ये सारा कुछ माल मसाला आपको इस कस्टमर में देखने को मिलता है। वॉलपेपर्स की बात करें, वॉलपेपर्स में जैसे जाओगे यहाँ पे वॉलपेपर्स में देखते कि कैसा वॉलपेपर है, मेरे को भी देखने को नहीं मिला, आई मीन मैंने भी नहीं देखा। तो यहाँ पे नथिंग वॉइस का वॉलपेपर्स देखने को मिलता है एंड यहाँ पे ये क्या है फीचर्स, तो यहाँ पे आपको पिक्सल के वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, ये क्या है हैंडक्राफ्टेड, और ये क्या है, और गाइस ये सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। देख सकते हो हर एक रोम का यहाँ पे वॉलपेपर उठा के यहाँ पे इन्होंने डाल दिया है। ठीक है, ये राइजिंग ओएस का वॉलपेपर है एंड यहाँ पे राइज रेड का वॉलपेपर, आई मीन सब कुछ वॉलपेपर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है भाई। एंड यहाँ पे इसका स्मूथनेस है, बहुत ही स्मूथ यहाँ पे आपको इसको यूआई देखने को मिलता है, क्योंकि लीनेज ओएस जैसा यहाँ पे आपको बिल्ड देखने को मिलता है तो गाइस ये भी और भी ज़्यादा स्मूथ होगा। ठीक है, लीनेज ओएस जैसा यहाँ पे आपको कस्टम रोम देखने को मिलता है, लीनेज ओएस जैसे स्मूथनेस लेके आते हैं वैसे ये कस्टम रोम भी स्मूथनेस लेके आता है। यहाँ पे अगर हम इसके डायलर की बात करें तो यहाँ पे आपको गूगल डायलर देखने को नहीं मिलता, ये एक अलग सा एओएसपी डायलर है, लेकिन गाइस गूगल डायलर जैसे ये कुछ नाम दिया गया है। बाकी इसके ओवरऑल स्मूथनेस की बात करें तो यहाँ पे लाजवाब स्मूथनेस देखने को मिलता है। अगर आपको इसको डेली लेवल के लिए यूज करना है डेफिनेटली कर पाओगे, गेमिंग के लिए भी कर पाओगे, गेमिंग भी बहुत ही अच्छा खासा गेमिंग करके दे देगा। बीजीएमआई की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा तो छटा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन गाइस यहाँ पे परफॉर्मेंस उतना भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ठीक है, फोन तो ज्यादा हीटिंग करेगा ही करेगा क्योंकि ये बहुत ही पुराना चिपसेट है, लेकिन यहाँ पे एनएक्स इनबिल्ट देखने को नहीं मिलता, आपको अलग से कोई भी अगर आपके पास मॉड्यूल है देन आप सिंपली उसको फ्लैश करके देख सकते हो, लेकिन गाइस एनएक्स कैमरा आपको इनबिल्ट देखने को नहीं मिलता इस कस्टम रूम में। और गाइस लॉक स्क्रीन की बात करें, ऐसा कुछ लॉक स्क्रीन देखने को मिल जाता है, आप इसको कस्टमाइज कर पाओगे, बहुत सारा कस्टमाइजेशन जो है यहाँ पे आपको इस कस्टम रूम में देखने को मिल जाता है पर्सनलाइजेशन में। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे घुस घुस के एक बार में यहाँ पे आप घुस घुस के यहाँ पे ये चीज जो है बगी है, यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, पता नहीं आई मीन ये पोर्ट किया गया है फिर पता नहीं क्या है, लेकिन गाइस यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया गया है, तो गाइस ये चीज़ मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे सब कुछ काम कर रहा है और यहाँ पे सब कुछ वर्किंग है। सीपीयू रोलिंग रिजल्ट की बात करो तो यहाँ पे सीपीयू रोलिंग रिजल्ट कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है, यहाँ पे 90% ऑफ इस मैक्स परफॉर्मेंस गया है। गीकबेंच रिजल्ट की बात करो तो यहाँ आपको गीकबेंच रिजल्ट जो है कुछ इस टाइप का रिजल्ट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसके प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन की, तो गाइस आपको प्ले स्टोर सर्टिफिकेशन में डिवाइस इज नॉट सर्टिफाइड देखने को मिलता है। अगर हम बात करें इसके डियर इन्फॉर्मेशन की, तो आपको वाइड 11 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि गाइस यहाँ पे इस कस्टम में आपको देखने को मिलता है प्रेजेंट। ठीक है, तो यही था आज के इस वीडियो में, उम्मीद आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, अगर वीडियो लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही तगड़े वीडियोस मैं हमेशा लेके आते रहता हूँ। और गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से कस्टमर के ऊपर चाहिए वो भी आप सिंपली कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो, मैं डेफिनेटली वीडियो लेके आऊंगा। और गाइस यहाँ पे इस राइजिंग वॉइस को फ्लैश करोगे नहीं करोगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आपका कमेंट का मैं वेट करूंगा एंड आप मेरे को ट्विटर में इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, और आप मेरे को ग्रुप में भी जाकर ज्वाइन हो सकते हो, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ग्रुप खोल रखा है आपके हेल्प के लिए, ताकि आपको अगर कोई भी क्वेश्चन वगैरह आप पूछ पाओ। ठीक है, तो डेफिनेटली जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, सिंपली जाके कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। और गाइस आप मेरे और एक चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जो कि गाइस मैंने सिर्फ रिव्यू के लिए खोला है, अपना स्मार्टफोन रिव्यू, जो जो नया मोबाइल निकलता है उसका मैं रिव्यू करता रहता हूँ। ठीक है, एक ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ, ठीक है, एक ब्रांड की तरफ से नहीं, एक खुद के पर्सपेक्टिव की तरफ से। और गाइस यही था, मैं मिलता हूँ आपको किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।